हेलो फ्रेंड्स, टेक बेयर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आपके पोको F1 में अभी तक MIUI 10 नहीं आई है और आप OTA का वेट करते थक गए हैं, तो आप उसको किस तरीके से अपडेट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मैंने जो इसका ट्विटर है ऑफिशियल, वहां से इसका लिंक जो उन्होंने ट्वीट किया था कि आप यहां से डाउनलोड कीजिए, उसको ऐसे इंस्टॉल कीजिए, तो मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूं। और ये पूरा ऑफिशियल है, ये कोई कस्टम रोम नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको जो MIUI 9 अभी मैंने इंस्टॉल है उसका इंटरफेस दिखा देता हूं कि कैसा है और किस तरीके से, जब मैं इसको अपडेट कर लूँगा तो उसके बाद MIUI 10 का भी इंटरफेस दिखा दूंगा। तो ये जो इसका शटर है, पहले मैं इसको नीचे करूँगा। ये देखिए जो है अभी शटर कुछ इस तरह से, तो हम अपडेट करने के बाद देखेंगे कि ये कैसा है और किस तरह से काम करेगा। और ये जो है वॉल्यूम का, डाउन का, इस तरह से जो सरफेस आता है वो ये है। तो अब हम इसकी जो अपडेट की शुरुआत करते हैं, इसके लिए अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सा मेरे पास MIUI 9 का वर्जन है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास जो MIUI 9.6.25 है। अब यहाँ पर मैं पहले अपने को जो फाइल है 500 MB की, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वो डाउनलोड करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आना पड़ेगा सेटिंग में, अबाउट फोन में, फिर आपको सिस्टम अपडेट्स में जाना पड़ेगा। इसके बाद जो आपको यहाँ पर तीन डॉट जो है बैटरी के नीचे, उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद आपको चूज अपडेट पैकेज करना होगा। यहाँ पर आपको फाइल एक्सप्लोरर है, जहाँ भी आपका जो भी फाइल मैनेजर है, ES फाइल एक्सप्लोरर जो भी है वो सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको जहाँ पर आपकी अपडेट पड़ी है वहाँ जाना होगा। जैसे कि मैंने जो अपडेट है MIUI के जो फोल्डर है उसमें कॉपी कर रखी है, आप देख सकते हैं ये अपडेट 500 MB की है। अब इसको ओके पे क्लिक किया मैंने। अब आप देखेंगे गेटिंग इन्फो, यहाँ पर ये जो है इंस्टॉल हो रही है। यहाँ पर ये लिखा हुआ आ रहा है कि योर डिवाइस विल रीबूट एंड अपडेट, तो मैं इसको रीबूट एंड अपडेट पे क्लिक कर दूंगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मेरा जो है फोन अपडेट पूरी तरह से हो चुका है MIUI 10 में। तो आपको बता देते हैं क्या क्या नया आया है। जैसा कि पहले आपको मैं इसका शटर बताऊंगा कि ये ब्राइटनेस का चेंज हुआ है, आप देख सकते हैं। वॉल्यूम का इसमें बिल्कुल चेंज हो गया है, पहले आपको सिर्फ ऊपर एक मिलता, अब इसमें ऐसे तीन मिल रहे हैं। आपको बता देता हूँ स्टोरेज में जाके कि जो मेरा पुराना डेटा था इस अपडेट को इंस्टॉल करने से कहीं भी नहीं गया। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जो OTA अपडेट नहीं थी इसको मैंने डाउनलोड करके पैकेज इंस्टॉलर से इंस्टॉल किया था। मेरा डेटा देख लीजिए अभी तक एज इट इज़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है। मैं आपको बता दूँ इसमें जो मेजर चेंज मेरे को जो अभी तक देखने को मिला, कि मैंने अभी नया अपडेट किया तो मुझे अभी नहीं पता मेजर चेंजेस क्या हुए, लेकिन जो अभी इसमें एक बैटरी परसेंटेज जो है वो आपको अब शो होगा। तो मैं आपको बता दूँ आपको कैसे एक्टिवेट करना है। आपको नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार में जाना होगा, उसके बाद आपको बैटरी इंडिकेटर पर क्लिक करना होगा, इसको ग्राफिकल से परसेंटेज करना होगा। आप देख सकते हैं मेरी बैटरी जो है अभी 70% है, सॉरी थोड़ा फोकस इशू हो रहा है इसमें, आप देख सकते हैं इसके अंदर परसेंटेज लिखी हुई आ रही है। अब मैं आपको व्हाट्स न्यू में जाके बता देता हूँ कि जो जो आपको मेजर अपडेट क्या काम मिला है, और अगर आपको देखना है कि MIUI 10 में पोको के लिए स्पेशल क्या क्या नया आया है, और अगर आप जानना चाहते हैं तो आप इसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो के मैं स्पेशली उसी को डेडिकेटेड करूंगा कि क्या क्या मेरे MIUI 10 में नया है। तो अब अभी मैं आपको एक छोटा सा स्नैप दे देता हूं कि इसमें क्या क्या आपको नया मिलेगा। डिज़ाइन फॉर फुल स्क्रीन एक्सपीरियंस, नेचुरल साउंड, आप इसको पोस्ट करके पढ़ लीजिएगा। तो ये जो आपको चीज़ें हैं MIUI 10 में नई देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।